आज से करीब 22 साल पहले जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के 4-4 सैटेलाइट भारत के परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण में ताक लगाए हुए थे, तो कैसे भारत ने इन सभी सैटेलाइट को चकमा देकर ऐसा काम कर दिया कि अमेरिका, पाकिस्तान और सभी देश दंग रह गए। यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा मिशन था जिसे पूरा करने के लिए भारत ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। यह मिशन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में पूरा किया गया था। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भारत पर अपने 4-4 सैटेलाइट के साथ नजर रखे हुई थी। हालांकि भारत ने CIA के उन सभी सैटेलाइट को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण किया था। इस मिशन के साथ जुड़े वैज्ञानिक कुछ इस कदर सतर्कता बरत रहे थे कि वे एक दूसरे से भी कोड भाषा में बात कर रहे थे। इस मिशन को पूरा करने के लिए सभी वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी में परीक्षण स्थल तक ले जाया गया था ताकि CIA को लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में वहां मौजूद थे। 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप देते हुए ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। तड़के 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए पोखरण लाया गया था। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े बड़े कुएं खोदे और इनमें परमाणु बम रख दिए। कुओं पर बालू के पहाड़ बनाए गए जिन पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे और 11 मई 1998 को 4 बजे के करीब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। और पहला नहीं, भारत ने एकाएक करके इस दिन कुल 5 परमाणु परीक्षण किए, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान पूरा धुएं के गुबार से भर गया। विस्फोट वाली जगह पर एक इतना बड़ा गड्ढा बन गया था कि उसमें 100 टैंक समा जाएं। भारत के इन परमाणु परीक्षण की सफलता से दुनिया भर में भारत की धाक जम गई। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बने सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और हर कोई इस बात से हैरान था कि इतनी जल्दी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतना साफ जरूर कर दिया था कि भारत कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा और जो देश परमाणु संपन्न देश नहीं है उन पर कभी भी परमाणु से हमला नहीं करेगा।